यूट्यूब चैनल इंडिया जगत टू में आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का हिंदी 11 चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर है लेखक विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन बी 12 फरवरी 1937 को, ऑप्शन सी 20 मई 1934 को, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1944 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? ऑप्शन ए सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन बी वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन सी नौकर की कमीज, ऑप्शन डी असाध्य वीणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? असाध्य वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? ऑप्शन ए दीवाल में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी नौकर की कमीज, ऑप्शन सी असाध्य वीणा, ऑप्शन डी इंडिया का तो देखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर ए दीवार में एक खिड़की रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी बिटिया को क्या करती है? ऑप्शन ए डांटती है, ऑप्शन बी पढ़ाती है, ऑप्शन सी सुलाती है, ऑप्शन डी समझाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्नी बिटिया को समझाती है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता बिटिया को क्या करता है? ऑप्शन ए घुमाता है, ऑप्शन बी खिलाता है, ऑप्शन सी सिखलाता है, ऑप्शन डी मारता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, पिता बिटिया को सिखलाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहनत कष्ट और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी लकड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। मेहनत कष्ट और औरत को कवि ने लोहा के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बंदूक का, ऑप्शन बी मशीन का, ऑप्शन सी कर्म का, ऑप्शन डी धर्म का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा का प्रतीक कर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता है? ऑप्शन ए नीरज, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन डी वाजपेयी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से, ऑप्शन बी सब कुछ होना बचा रहेगा से, ऑप्शन सी लगभग जय हिंद से, ऑप्शन सी लगभग जय हिंद से, ऑप्शन नंबर डी हिम किरीटनी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकर की कमीज क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी संस्मरण, ऑप्शन डी उपन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी
मोहन राकेश ऑप्शन सी, ज्ञान रंजन ऑप्शन डी, कमलेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये सभी तक पहुँच सके।